लगभग एक साल के बाद आलिया भट्ट की यहाँ पर बिग स्क्रीन के ऊपर वापसी हुई है। और दोस्तों वापसी ही नहीं हुई है, उन्होंने फिल्म का प्रोडक्शन भी किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट वेदांग राणा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिगरा के बारे में। सो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर यार पावर पैक्ड परफॉर्मेंस तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही, लेकिन क्या कहानी भी उतनी ही ब्रिलियंट है जो कि दर्शकों को सिनेमा घर के अंदर खींच कर ला सके। तो दोस्तों डिटेल में बात करेंगे जिगरा के बारे में और यार पूरा एनालिसिस करेंगे क्या इसकी स्टोरी है, कैसी परफॉर्मेंस है। सो दोस्तों एंड तक बने रहना, और यार वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो भाई लोगों, अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो जिगरा के अंदर यार आपको कोई प्रेम प्रेमिका का लफड़ा देखने को नहीं मिलता है, इसकी जगह देखने को मिलता है आपको भाई बहन का प्यार। बहन सत्या यानी कि आलिया भट्ट और उसका भाई अंकुर प्लेट बाय वेदांग राणा, जिनकी माँ का यार देहांत बचपन में ही हो जाता है और बाप तो उससे भी एकदम आगे होता है, इन दोनों बच्चों के सामने ही फांसी लगा के मर जाता है। सो दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सो यार यहाँ पर बड़े पापा के साथ ही पले बड़े और उनके साथ ही काम करते हैं। तो इसी बीच वेदांग अपने बड़े पापा के लड़के के साथ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर विदेश में जाता है, लेकिन इस बीच उसका बेटा बड़े पापा का जो लड़का होता है दोस्तों वो इल्लीगल एक्टिविटीज में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर वेदांग राणा जो कि यार कहीं ना कहीं अपने बड़े पापा के एहसान और पालन पोषण की वजह से यार के सारे एहसान चुकाने के चक्कर में सारे इल्जाम भाई सब अपने सिर पर ले लेता है, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से उसको सजाए मौत मिलती। अपने भाई को दिलो जान से प्यार करने वाली आलिया भट्ट को जब पता चलता है कि भाई उसके भाई की फाइल निपटने वाली है, तो यार वो फौरन पहुँचती है उसको छुड़ाने के लिए और कुछ भी करने को तैयार है, बस उसके भाई को बाहर निकालना है। आलिया भट्ट यहाँ पर हथियार का भी सहारा लेती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता है। फिर चाहे यार वो जेल तोड़कर अपने भाई को क्यों ना भगाना पड़े, ये प्लान बनाती है दोस्तों। अब क्या ये प्लान यार उसका कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो दोस्तों आपको सिनेमाघर का रुख करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। फिल्म यार टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करती है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हो या बीजीएम हो, स्पेशली बीजीएम में भाई साहब बीजीएम इतना ज़्यादा जोरदार है, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि यार हर एक सीन्स के अंदर उसने चार चांद लगा दिए, यहाँ तक कि यार स्टोरी को और भी अच्छा पोश किया है। वासन बाला ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि बंदे ने अच्छा काम किया है। सो यार वो जाने जाते हैं सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर यार उन्होंने थोड़ा बहुत तो डाउनफॉल दिखाया है। अगर बात करें जिस तरह से यार आलिया भट्ट का यहाँ पर एक हाईटेक जेल के अंदर जितनी आसानी के साथ एंट्री करवाई गई है, तो यार वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं लगता है। अगर यार परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों यार एंग्री यंग मैन एक्शन स्टार के रूप में यार भाई साहब यहाँ पर आलिया भट्ट ने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वेदांग राणा की यार ये शायद सेकंड ही मूवी है और उन्होंने इस फिल्म के अंदर अच्छा खासा काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इमोशनल सीन्स में वो अच्छे लगे हैं। वहीं मनोज वाजपेयी ने छोटा लेकिन बहुत ही दमदार तरीके से अपना काम किया है। उनका काम यार जब स्क्रीन पर आते हैं तो सच में देखने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो यार अगर ओवरऑल देखा जाए, छोटी मोटी गलतियाँ निकाल दिया जाए, तो यार मूवी अच्छी है। सो दोस्तों मैं दूंगा यार अपनी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार। सो दोस्तों आप लोगों ने देखी या नहीं देखी कमेंट करके जरूर बताना, और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।